मेरा नाम श्रीधर मंडल है। मैं पहले एसपी से रिटायर किया हूँ, पुनः राजनीति में भी मैं आया हूँ और राजनीति में मैं बहुत सब उतार चढ़ाव भी लोगों का देखा। आज से पूर्व जो है, अगर आप देखेंगे 25 साल पहले, तो सम्मानित घरों के लोग ही जो है सो मुखिया सरपंच या जितने भी पद है उस पर जो सो वो लोग खड़े होते थे, वही जीतते थे। बाकी गरीब गुरुआ जो है वो अपना वोट देके चले जाते थे और कोई उसमें जनता का कोई भलाई होता नहीं था। अभी जो वर्तमान सरकार है, खास करके नीतीश जी की सरकार जो है, इन्होंने बहुत अच्छा सब काम किया, पद को बढ़ाया। मुखिया सिर्फ नहीं रहे, मुखिया के अलावे पंचायत समिति भी बना, उस बाद जो सो वार्ड काउंसिलर भी बने, वार्ड में भी दिया गया और गरीब और गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, हरीरों के लिए अलग से पद भी सृजित कर दिया। उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो सभी समाज के लोग हैं वहाँ से वही प्रतिनिधि करके आते हैं और ये समाज जो है, जो मुखिया सरपंच या जो लोग होते हैं, उस गरीब तक जो है उनको सरकार की जो योजना है वो वहाँ तक पहुँच पाती है। आज भी जो है कुछ दबंग लोग जो है हमारे यहाँ, आप हम सबों के यहाँ पूरे बिहार में मुखिया पद के लिए खड़ा होते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आज देखिए मारकाट और इतना जो पहले जो होता था गोलीबारी और हत्या, ये सब जो सब पंचायत में हमको लगता है 100 से ज़्यादा तो अभी तक लोग मारे जा चुके हैं और गोली चली है। ये पद्धति कैसे खत्म होगा, क्या होगा, इस पर भी सरकार को सोचना होगा। सरकार बहुत बार सोच रही है, जो घटनाएं होती है, जो बातें आती है, उस पर वो उतना करते हैं, लेकिन जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो तो और बढ़े चढ़े हैं, वो तो और उससे भी ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो चरित्रवान प्रत्याशी है, जिस पर कोई दाग नहीं है, उस तरह के प्रत्याशी को जो है अगर आप जिताएंगे तो कम से कम गरीब गुरुआ के तक जो है वहाँ तक वो जो वो हमारे जो सरकार की जो योजना है वो उनके घर तक पहुँचेगा। और नहीं तो फिर क्या है, वो बंदर बांट होता है, ठेकेदारी होता है, ठेकेदारी में काम नहीं होता है, बहुत से ठेकेदार जो आज जो सो इसी में पंचायती में जो सो जेल भी गए। पहले इस तरह का नहीं होता था, मुखिया एक प्रतिष्ठित पद होता था, फिर भी यहाँ से भी एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चरित्रवान है, कोई दाग उग नहीं है, अजय कुमार मंडल जी उनका नाम है, उनका जो है उनको भी हम चाहेंगे कि आप ये अच्छे प्रत्याशी हैं, आप जनता से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी उसमें अगर उन्हें वोट दें तो हो सकता है गरीबों का हमारा जो सब कुछ उद्धार हो। बाकी और लोगों को भी खड़े हैं, मैं किसी को ये नहीं कहना चाह रहा कि जिस किसको आप वोट दें नहीं दें, लेकिन ये अच्छे प्रत्याशी हैं, इनके लिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ। बस अजय कुमार मंडल ग्राम पंचायत शबलपुर के मुखिया पद के प्रत्याशी हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, क्रम संख्या 1 पर है। करीब 20 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता का मदद भरपूर मिला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं पिछड़ गया, लेकिन जनता का मैं सेवा करता था, करता रहूंगा, करूंगा, ये मेरा जुनून है, मैं करता रहूंगा। जैसे कि अभी शिक्षा के प्रति, नारी के प्रति, वृद्ध के प्रति, वृद्धा पेंशन जिसको मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं कुछ अच्छा सोच के जिसको मिलना चाहिए वहां वृद्धा पेंशन उसको दिलवाने का कोशिश करूंगा। जो असहाय है उसको समाज में कोई तरह का मदद नहीं मिल रहा है, उसको भी हम दिलाने का कष्ट अपना कार्य करूंगा। चौमुखी विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा, सारे प्रबुद्ध लोग के सलाह पर मैं पंचायत का काम करूंगा, बड़ी निष्ठा पूर्वक मैं पंचायत का सेवा करूंगा, यह मेरा संकल्प है। आज से 20 साल से पंचायत राज में जो मुखिया बन रहे थे, बने हैं, वो भी काम करते होंगे, लेकिन मेरा कुछ भिन्नात्मक काम होगा जो सबको साफ नजर दिखाई पड़ेंगे कि अजय कुमार मंडल एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार व्यक्ति
रहूंगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझे अब की बार भारी मतों से एक नंबर पर बटन दबाकर विजय बनावे। मैं सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और सोनपुर पंचायत को बांका के जिला में मुखिया लोग बोलेंगे कि अजय कुमार मंडल एक ईमानदार मुखिया है।